Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another mini vlog. So last vlog में मैंने आपको बताया था कि हम दिल्ली पहुँच चुके थे. So अब early morning हमारी जो actually flight थी trip की, तो वो थी हमारी exact 11:30 AM. So हमें एक दो घंटा पहले जो है airport पहुँचना था because boarding वगैरह सब. So we are very excited. So अभी हम निकल चुके थे, हमारी कैब आ चुकी थी. सो अभी हम जा रहे थे टर्मिनल 2 की तरफ, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो थी टर्मिनल 2 से. सो गाइज, दिस इज़ एक्चुअली आर हनीमून ट्रिप बिकॉज वी आर न्यूली मैरिड. सो वी आर गोइंग टू एन्जॉय आर वेकेशंस इन गोवा. हम जा रहे थे गोवा. तो फाइनली हमारा जो ये ट्रिप था हमने प्लान कर ही लिया, क्योंकि कितने टाइम से प्लान कर रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ बीच में अड़चन आ रही थी. सो इस वजह से हमारा जो प्लान है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था अभी. सो अभी हमने डिसाइड कर लिया, अपना पूरा सारा काम छोड़ छाड़ के हम निकल पड़े घूमने. सो अभी हम पहुंच चुके थे टर्मिनल 2 के मेन गेट पे. सो गाइस, मैं और मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए, लेकिन यहाँ पे जब टर्मिनल 2 पे पहुँचे तो यहाँ पे इतना भीड़ देखे तो हम तो डर ही गए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था. देन उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी अकासा वालों की. देन उसके बाद हम बोर्डिंग पास के लिए इतनी लाइन में लगे अकासा एयर के लिए. गाइज, मैं बता दूँ, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करी होती है तो आपको इतनी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बट अफसोस हमने नहीं करी थी. सो हमें थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ा. देन यहाँ से हम एंटर होकर चले गए वेटिंग एयर. सो ये था हमारा वेटिंग एरिया, लेकिन हमें जाना था गेट नंबर 29, जहाँ से एक्चुअली हमें मतलब फ़्लाइट में एंटर करना था, जहाँ से निकल के रनवे की तरफ से. लेकिन अभी हमने सोचा टाइम बहुत है तो कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, बिकॉज़ सुबह हम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के लिए निकल गए थे. लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी कि नींद तो कहाँ ही आनी थी. सो अभी हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि मैं तो पहले कभी नहीं गई दिल्ली एयरपोर्ट. सो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें न्यू ही थी. सो हमने थोड़ा सा रील शूट की, थोड़ी सी अपनी मेमोरीज कैप्चर करी. देन उसके बाद ये देखो, ये हमारा वेटिंग एरिया था जहाँ पे हम बैठे थे. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था वो था कि जहाँ से गेट नंबर 29 था, जहाँ से एक्चुअली हमें बाहर की तरफ एंटर करना था, मतलब कि फ़्लाइट की तरफ, जहाँ से इनकी जो बस है वो लेकर जाती है फ़्लाइट तक. सो वहाँ पे भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ा. सो यहाँ पे हमें मिल गया था एक मिनीसो का स्टोर. सो यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, लाइक गॉगल्स, कैप्स एंड ऑल. यहाँ पे बहुत सारी एसेसरीज थी और काफ़ी अच्छी थी. सो हम ऐसे ट्राई कर रहे थे कि अगर कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेंगे. सो यहाँ पे ये देखो, मेरे हस्बैंड कैप्स वगैरह ट्राई कर रहे थे लेकिन इनको कोई पसंद नहीं आई, क्योंकि इन पर कोई अच्छी नहीं लग रही थी ये वाली. सो ये था गेट नंबर 29. यहाँ पे हमारी फ़्लाइट एक्चुअली थोड़ा 10-20 मिनट्स लेट थी, बिकॉज हम पहले ही आ गए थे नीचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि आपकी फ़्लाइट जो है वो 15-20 मिनट्स डिले है. फाइनली फिर हम लग गए फिर से लाइन में, क्योंकि हमें बाहर जाना था. एंड देन यहाँ पे हमारा जो बोर्डिंग पास है वो अगेन चेक होना था. देन हम आगे बस में अपने फ्लाइट की तरफ जो थी अकासा वालों की. देन ये यहाँ का पूरा रनवे है गाइज, ये सारी इनकी बसेज होती है, इंडिगो वालों की, अकासा वालों की, सभी की थी यहाँ पे, एयर इंडिया वालों की. सो ये मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था. सो मुझे तो ये सारा व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था. सो मतलब कि मुझे ये कैप्चर करना इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि मेरे लिए ये सारा क्या है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था. मेरी ये ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी और वो भी हनीमून ट्रिप वाली फ़्लाइट थी. सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीडियोस वगैरह या इंस्टाग्राम वीडियोस शूट करी थी. सो यहाँ पे सारे ही लोग जो थे वो कपल्स थे या फिर कोई और थे जो गोवा जा रहे थे, जो हमारे साथ इस फ्लाइट में थे, तो सारे ही अपनी वीडियोस फ़ोटोज़ कैप्चर करने में लगे हुए थे. सो हम भी यहाँ पे, जब तक हमारा मतलब कि अभी बहुत लोग थे, तो हमारा जो गेट था वो था बैक साइड वाला, हमारा जो सीट नंबर के अकॉर्डिंग गेट था. सो यहाँ पे थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाने के बाद हम भी चले के पीछे. ये हमें यहाँ पे अपना बोर्डिंग चेक करवा लिया और यहाँ पे हम चले फ्लाइट की ओर. सो फाइनली है वी एंटर इन द अकासा एयर, और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपना सीट नंबर. फ़्लाइट का एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ही अच्छा था, जो मेरा फर्स्ट एवर था, और हमें मिल चुकी थी विंडो सीट का.
यदि एयरक्राफ्ट को पानी पर उतरना पड़े तो आपको तो अगर फ्लाइट में बैठना तो गाइस विंडो सीट ही प्रेफर करना, इतना मज़ा आता है ना अगर फर्स्ट टाइम हो, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए बता रही हूँ, जैसा कि मेरा था। देन उसके बाद हम पहुँच गए बादलों पे, उसके बाद तो हमें कुछ दिल्ली का कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा था कि हम कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं। और ये फिर थोड़ा आगे जाके हमें दिखने लगे थे थोड़े थोड़े पहाड़, थोड़े थोड़े समंदर। और यहाँ पे हमने एड ऑर्डर कर लिया अपना मील, सो हमें लगी थी थोड़ी भूख, सो हमने मंगाए थे वेज नूडल्स जो हम कर रहे थे एंजॉय। सो ये देखो गाइस व्यू, वाओ। यहाँ से हमें समंदर दिखना स्टार्ट हो गए थे और हम बहुत ही एक्साइटेड थे गोवा में लैंड होने के लिए और वहाँ पे घूमने के लिए। सो हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, इससे नीचे कैसे दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे यहाँ पे मतलब कि जंगल हैं, मतलब यहाँ पे ना सभी चीज़ें ऑलमोस्ट, जैसे ऐसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट बस हम लैंड ही करने वाले हैं। बिकॉज हमारी जो फ्लाइट थी वो ज़्यादा टाइम की नहीं थी, वो 2.5 आवर्स की थी, वो तो थोड़ा डिले हो गई थी, तो हमें 3 आवर्स लग गए थे वैसे, लेकिन जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था वो 2.5 आवर्स का ही था। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने रील्स, थोड़ी सी वीडियोस, थोड़ी सी मेमोरीज कैप्चर करी ताकि हम अपना यह हनीमून ट्रिप हमेशा याद रखें। हमारा जो फर्स्ट एवर ट्रिप बोलते हैं ना शादी के बाद वाला पहला ट्रिप, वो था हमारा ये। सो विंडो सीट पे अगर तुम बैठे हो और अगर तुमने ये वाली रील नहीं बनाई तो तुमने क्या ही किया। और गाइज यहाँ पे फाइनली कर रहे थे हम लैंडिंग, और लैंडिंग करते टाइम थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि प्लेन की ना इतनी ज़्यादा इस फ्लाइट की स्पीड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। और इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है ना ये जब ये रनवे पे आता है, और आपको पता ही होगा कि 800 मीटर का ये जो रनवे होता है इस पर ही करना होता है। देन उसके बाद हम चल पड़े अपने लगेज कलेक्ट करने। ये है गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा में एक्चुअली 2 एयरपोर्ट्स हैं, तो हमारी जो फ्लाइट लैंड हुई थी वो हुई थी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पे हमने अपने लगेज कलेक्ट कर लिए थे। सो उसके बाद लगेज कलेक्ट करने के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन ही बोल दो, जैसे कि हमारा जो होटल बुकिंग ऑलरेडी यहाँ से सब बुक था। सो गाइज एयरपोर्ट पे यहाँ पे हो रही थी लाइव परफॉर्मेंस, और एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर था यहाँ का व्यू, लेकिन ओ यहाँ पहुँच के जो गर्मी थी ना वो नेक्स्ट लेवल की थी। ये है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द गोवा। गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं, एक नॉर्थ गोवा में, एक साउथ गोवा में। सो हम स्टे कर रहे थे नॉर्थ गोवा में, सो हमने मतलब हमारी जो फ्लाइट लैंड करी थी वो यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कैब वाला भी आ गया था। और ये पहुँच गए हम होटल, हमने जो होटल बुक किया था दैट इज़ हार्ड रॉक होटल, दैट इज़ अ 5-स्टार होटल ऑफ द गोवा। और यहाँ पे हमें इन्होंने वेलकम किया वेलकम ड्रिंक के साथ, बहुत ही इन्होंने अच्छा वेलकम करा हमारा। देन उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आगे हम अपने रूम। सो अब हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, देन बताते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रिप कहाँ कहाँ का रहा और हम कहाँ कहाँ